हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी में मैं आपके लिए लाई हूँ फिर से वेट लॉस के लिए एक और रेसिपी। तो इस बार मैं लाई हूँ आपके लिए ड्रिंक। ये तीनों ड्रिंक का फ्लेवर अलग है और आप इसको वेट लॉस की जर्नी में आप पी सकते हैं, इससे आपकी कैलोरी नहीं बर्न होगी। तो यहाँ पे पहला जो ड्रिंक है मेरा वो है नमकीन, दूसरा मीठा और तीसरा ये है हमारा सत्तू का शेक। जैसा कि आप जानते होंगे सत्तू चने के आटे से बनता है, बहुत ही प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी देर तक ये आपको एनर्जी से भरपूर रखेगा और आपका वेट भी नहीं बढ़ाएगा। इसको पीने के बाद, खाने के बाद आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप थोड़े लंबे टाइम तक बिना कुछ खाए रह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन इन्ग्रीडियंट है वो है ये सत्तू। ये अनूप ब्रांड का है, चने के आटे का बेसिकली बनता है ये सत्तू का आटा। तो आपके लोकल में जिस भी ब्रांड का हो या फिर आप खुद भी चने को भून के उसको पिसवा लें तो वो भी अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले एक ग्लास में इस तरीके से मैं लेने वाली हूँ 2 से 3 चम्मच सत्तू। ये भुना हुआ होता है इसलिए हमें भूनने की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट सिर्फ हमें यूज़ करना होता है। तो 3 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है सत्तू। उसमें हम मिलाएंगे चुटकी भर भुना हुआ जीरा। जीरा पाउडर आप घर में भून के उसको पीस लें वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, रेडीमेड यूज़ ना करें। थोड़ा सा काली मिर्च, थोड़ा सा यहाँ मैंने धनिए के पत्ते लिए हैं और कुछ पुदीना के पत्ते, जो हमारे इस ड्रिंक को पूरा रिफ़्रेश कर देंगे टेस्ट में भी। स्वाद के अनुसार मैं इसमें मिलाने वाली हूँ थोड़ा सा काला नमक, 1/4 ये नींबू का टुकड़ा जिसको हम निचोड़ लेंगे इसका जूस, तो अभी जैसा कि गर्मी का मौसम पूरी तरीके से आया नहीं है इसलिए मैं इसमें नॉर्मल पानी मिलाने वाली हूँ। अगर गर्मी का मौसम है तो आप फ्रिज का ठंडा पानी भी मिला सकते हैं, पर अगर वेट लॉस की जर्नी में है तो कोशिश करें ठंडा पानी ना पिए। इसको हम पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। प्री वर्कआउट या फिर पोस्ट वर्कआउट किसी भी तरीके के पहले और बाद के ड्रिंक के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, आपको बहुत टाइम तक एनर्जी रखेगा और इसको पीने के बाद काफ़ी टाइम तक आपको ये भूख भी नहीं लगने देगा, क्योंकि सत्तू में काफ़ी प्रोटीन होता है, कैल्शियम, आयरन, खूबियाँ तो बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा सत्तू ड्रिंक बनके रेडी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कैलोरी भी गई है बहुत थोड़ी और रिफ्रेशमेंट भी गया है और साथ ही पानी, तो पानी में तो कोई कैलोरी होती ही नहीं है। तो ये हमारा पहला ड्रिंक बनके रेडी है, ये हमारा नमकीन सत्तू का ड्रिंक है। इसके बाद मैं आपको दूसरी ड्रिंक की रेसिपी बताती हूँ। तो दूसरी जो ड्रिंक बनने वाली है हमारी वो है मीठी, पर डोंट वरी इसको आप वेट लॉस में पी सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 2 चम्मच भर के सत्तू, 2 हरी वाली छोटी इलायची थी जिसको देखिए मैंने कूट के पाउडर बना लिया है, उसको हम इसमें करेंगे मिक्स। और इसमें मीठे में आप शहद भी मिला सकते हैं, पर मैं इसमें मिलाने वाली हूँ गुड़। गुड़ 2 तरीके के आते हैं, ये देखिए ब्राउन कलर का और एक लाइट येलो रहता है, तो कोशिश करें कि ये ब्राउन वाला ही यूज़ करें। ये वाला गुड़ आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो इसको आप इस तरीके से या तो ग्रेट कर लें या तो चाकू से ही बारीक बारीक इस तरीके से निकाल लें। और ये गुड़ इसकी क्वांटिटी होगी 1 टेबलस्पून।
मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हालांकि गुड़ नुकसान नहीं करता है, पर फिर भी अगर आप कम लेना चाहते हैं तो कम गुड़ यूज़ करें। और पहले वाले ड्रिंक की तरह मैं इसमें भी थोड़ा सा पहले पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी ताकि हमारा सत्तू और गुड़ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे हमारा गुड़ और सत्तू मिक्स हो चुका है, तो इसमें अब मैं भर दूँगी पानी। तो ये देखिए हमारा सिंपल सा और बहुत जल्दी बनने वाला ड्रिंक मीठे फ्लेवर में भी बन के रेडी है। और तीसरी जो एक रेसिपी है सत्तू की, वो मैं इसके बाद आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारे तीसरे ड्रिंक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बनाना, और ये जो बहुत छोटे साइज़ के बनाना आते हैं वो है। अगर आप बड़े साइज़ का बनाना ले रहे हैं तो फिर आप हाफ बनाना यूज़ कीजिएगा ताकि आपकी कैलोरी ज़्यादा ना बढ़े। तो यहाँ पे ये इतने छोटे थे इसलिए वो तीन पीस में ही चले गए हैं। इसमें हम डालेंगे एक चम्मच सत्तू। मैंने यहाँ सत्तू की क्वांटिटी इसलिए कम की है क्योंकि इसमें हमने बनाना यूज़ किया है, तो मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके से हमारी कैलोरी बढ़ जाए। इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा काजू का पाउडर, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं ये सब इसलिए बना रही हूँ ताकि हम इस ड्रिंक को जो एक बार पिए तो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक भूख ना लगे। इसको मैं एक बार खाली पीस लेती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसका पेस्ट बन चुका है। जिस ग्लास में मैं सर्व करने वाली हूँ उसमें मैंने नाप के 1/4 कप लिया है ठंडा दूध, और 1/4 कप हम लेंगे पानी। क्योंकि इसमें केला यूज़ हुआ है इसलिए हम दूध की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, तो इसको हम मिक्स करके डालेंगे इसमें। बनाना के साथ कौन सा फ्लेवर सबसे अच्छा लगता है, या तो इलायची या फिर वेनिला? तो इलायची मैंने आपका गुड़ और उसमें मीठे में यूज़ किया है, इसलिए इस शेक में मैं मिलाने वाली हूँ वेनिला एसेंस, बहुत थोड़ा सा। आप चाहें तो इसके बदले इलायची भी मिला सकते हैं। इसको मैं एक बार और फाइन पीस लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इसका पेस्ट अच्छे से बन चुका है। और केला अगर ज़्यादा मीठा होता है तो आपको इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है शहद, पर ये केला उतना मीठा नहीं था इसलिए मैं इसमें 1/4 चम्मच बस इतना सा शहद मिलाने वाली हूँ। तो यहाँ पे हमारी ये तीसरी जो रेसिपी है, तीसरा ड्रिंक हमारा वेट लॉस का सत्तू शेक, वो बनके तैयार है। इसको पीने के बाद तो डेफिनेटली आपको भूख लगने वाली नहीं है और बहुत एनर्जी के साथ आप बहुत देर तक रहने वाले हैं भरपूर। तो यहाँ हमारी तीनों ड्रिंक बनके तैयार है। आप जो भी फ्लेवर जो भी ड्रिंक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, बहुत ही हेल्दी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।